नमस्कार, मैं हूं वंशिका केड और आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं के रिजल्ट से नाखुश प्राइवेट स्कूल और स्टूडेंट्स ने बुधवार को दिल्ली के पृथ्वीराज स्थित CBSE हेडक्वार्टर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल आईएलएनएस निशा के अंतर्गत हुए इस प्रदर्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर और करियर को लेकर सांकेतिक तौर पर फांसी भी लगाई। निशा ने मांग की है कि घटिया प्रणाली के तहत निकाले गए इस रिजल्ट को जिम्मेदार CBSE खुद ले, ताकि कल को स्टूडेंट स्कूल को ना कोसे। इस प्रदर्शन में दिल्ली के 125 से अधिक स्कूल संचालकों को और तमाम स्टूडेंट्स ने भाग लिया। देखो, प्रोटेस्ट करने का एक कारण है कि CBSE ने एक टेबुलेशन पॉलिसी बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक फार्मूला दिया। हमने इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां CBSE ने कहा कि ये बहुत एक्सपर्ट्स को लेकर पॉलिसी बनाई गई है और बहुत ही ये प्रॉपर पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा तो पहले ही ये कहना था कि रिजल्ट निकालना जो है और बनाना ये CBSE का काम है, अध्यापकों का काम नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँवश जो है स्कूलों से उन्होंने बनवाया किसी भी तरीके से, और उसका पूरा का पूरा जो है वो फार्मूला वो CBSE ने तैयार किया, जो स्कूल्स का काम था सिर्फ उस पर एक तरह से क्लरिकल काम करने की तरह था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो हमारा उस पर पहले भी हमारा मतभेद था कि ये इससे जो है कल को मतभेद उठेंगे, लोग इस पर विवाद करेंगे, और वही सामने आया, जिससे लोगों ने बहुत मतभेद जो है इस पर उभर कर सामने आए। हमारे शिक्षकों के ऊपर हमले हुए, एक शिक्षक ने आत्महत्या भी इस मामले को लेकर उसको करनी पड़ी। तो हमारा CBSE से ये कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को ये कहे कि ये जो परिणाम घोषित किए गए उनके द्वारा बनाई गई परीक्षा नीति के अनुसार किए गए, इसमें स्कूल संचालकों का और प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है, ताकि जो अभिभावक इस समय सारी जो है गाज स्कूल्स पर प्रशासन पर और प्रिंसिपलों पर डाल रहे हैं, और जो एक मधुर रिश्ता उनका CBSE बोर्ड का स्कूलों का और अध्यापकों का और अभिभावकों का और बच्चों का बहुत अच्छा रिश्ता था, वो भी तार तार हो चुका है। सभी जगह पर जो है हमले हो रहे हैं शिक्षकों पे। तो हमारी ये मांग है कि CBSE एक प्रेस वक्तव्य जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे, और ये कहे कि ये मेरे फार्मूले के अनुसार जो है ये परिणाम घोषित हुए, इसमें स्कूल्स की कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये मांग लेकर हम यहाँ आए। और दूसरा हमारी एक मांग ये भी है कि जो CBSE के गवर्निंग बॉडी में जो मेम्बर्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली से होते हैं, तो जबकि CBSE एक राष्ट्रीय बोर्ड है, तो पूरे राष्ट्र के मेंबर इसमें होने चाहिए, पूरे राष्ट्र से गवर्निंग बॉडी में मेंबर लिए जाने चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश से आवाज़ जो है वो CBSE तक पहुंचाई जा सके। रेगुलेशन की पॉलिसी के अंदर जो स्कूल के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे बच्चों को इस साल के नंबर देने, मतलब किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से जो बच्चा इस साल बोर्ड में आना चाहिए था, अपीयर होना चाहिए, उसको नंबर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? गुनाह किसी और का, भुगतेगा कोई और, ये तो ठीक नहीं है। उस बच्चे की का क्या गुनाह कि उसके साथ कोरोना हो गया? उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, टीचर्स को ये राइट देना चाहिए था कि अपने हिसाब से वो नंबर दे सकें। अब क्या हुआ कि टीचर को आपने कंट्रोल कर लिया, टीचर को आपने ये गाइडलाइंस दे दी, इससे आप बाहर ज़्यादा जाओगे, इससे बाहर आप जाओगे नहीं। आपके पास ये समझ लो, मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, एक ग्लास भर दिया पानी का, उस ग्लास भर में आपको उतने नंबर मिल गए, उससे ज़्यादा आप नंबर बांट ही नहीं सकते। तो यानी कि कुछ बच्चों को नंबर आप उसके हिसाब से दोगे, दूसरों को कम दोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कम मिल गए हो, किसी को ज़्यादा मिल गए हो। तो ये एक इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो इसलिए हम इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि CBSE इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो सके। ये बच्चों के फ्यूचर का, हाँ, इसके बाद हम बड़ा एजिटेशन करेंगे और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। हम लोगों तक जाएंगे, बच्चों तक जाएंगे, जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है, फ्यूचर, आज आपने देखा बच्चे भी आए थे हमारे साथ जुड़े थे, उन बच्चों का फ्यूचर, कहीं उनका दाखिले नहीं हो रहे, एडमिशन नहीं हो पा रहे, CBSE के आगे बहुत बड़ी भूख हड़ताल करेंगे। हम इस तरह के कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आगरा, देश रीजनल कन्वीनर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, निशा। आज हम लोग CBSE के ऑफिस पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन में जो स्कूल के मालिकों पे या स्कूल के टीचर्स पे जो अभिभावक
जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जिनका कि स्कूल वालों से या टीचरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनको जो है इस बात का बनाया जा रहा है। और इससे कई स्कूल संचालक ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 4 स्कूल्स के ऑलरेडी ओनर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ ये 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 सांकेतिक इसका बिल्कुल इस्तेमाल है कि अगर ये नहीं CBSE ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया तो ऐसे वो दिन दूर नहीं है जब और लोग भी अपने आत्महत्या करेंगे और इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई स्कूल की कोई और आमदनी नहीं होती है, सिर्फ फीस की एक आमदनी होती है, और उससे उनके जो EIMMI जो उन्होंने लोन ले रखा है उस सब की वो भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने नीसा ने पहले भी ये कहा था कि सस्ते दामों पर स्कूल वालों को लोन दिया जाए, EMI में कुछ कटौती की जाए। और मुझे CBSE से जो इस समय ज्वलंत जो परेशानी है वो यही है कि वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी स्थिति को क्लियर करे और इस सब की जो भी रिजल्ट आउट हुए हैं इस सब की जिम्मेदारी CBSE ले। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हेल्पलाइन।